सहारनपुर के देवबंद कोतवाली क्षेत्र के चौकीदारों ने कोतवाली के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। चौकीदारों ने प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वेतन बढ़ाने की मांग की है। सहारनपुर के देवबंद कोतवाली के बाहर चौकीदारों ने प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे विश्वास कुमार ने बताया कि हम चौकीदारों का पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने 2003 में चौकीदारों का वेतनमान 1500 रुपए किया था। उसके बाद आई सरकारों ने आज तक चौकीदारों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हम चौकीदारों का महंगाई के दौर में 1500 वेतन कोई मायने नहीं रखता। चौकीदार हर वक्त पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में अन्य प्रदेशों राजस्थान महाराष्ट्र में भी चौकीदारों का वेतन 12 से 16 हजार है, जबकि उत्तर प्रदेश में सरकारी मूल्य 250 रुपए मजदूरी प्रतिदिन है, मगर हमें आज भी 50 रुपए प्रतिदिन वेतन दिया जा रहा है, जिससे हमारे परिवार की गुजर बसर नहीं हो पा रही है। हमें दिक्कत है जी, 50 रुपए के दौर में आज कुछ नहीं होता, महंगाई बहुत है और हमें केवल 50 रुपए प्रतिदिन मजदूरी मिलती है, जबकि वैसे मजदूरी भी 280 रुपए 300 रुपए मजदूरी है मजदूर की भी। ऐसी स्थिति में तो हम लोग सड़क पर उतर गए, भुखमरी आ गई। हम बच्चों का पेट भरें, अपना भरें, क्या करें? बच्चों की फीस भी जमा नहीं होती 50 रुपए में तो, और राज्यों में कहीं 15,000 कहीं 10,000 कहीं 16,000 रुपए मानदेय है, हमारे यहाँ मात्र 1500 रुपए है। 1500 रुपए में क्या करें जी? हम ये चाहते हैं हमारा मानदेय कम से कम 15,000 रुपए होने चाहिए महीने में। सड़कों पर उतरेंगे जी, आंदोलन करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। वो हमारी तनख्वाह 50 रुपए प्रतिदिन है और महीने में 1500 रुपए, उसमें हम अपने बच्चों का गुजर बसर कह रहे हैं, और थाने में भी आना पड़ता है और रात को भी ड्यूटी देनी पड़ती है और अलग समय लगते हैं हमारी। लेकिन हमारी मुख्यमंत्री जी से योगी नाथ जी से ये हाथ जोड़ के हमारी वह विनती है कि भाई हमारा वेतन बढ़ा जाए, इसमें हमारे बच्चों का भी गुजर बसर नहीं हो रही और हम मजबूर है बहुत सड़क पर। अगली रणनीति हमारी होगी फिर हम सड़क पर आंदोलन करेंगे, मजबूर है हम करने। सहारनपुर से राहुल पटेल की रिपोर्ट।